हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक। वेल फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में हम रिव्यू करने वाले हैं क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म टेनेट। टेनेट पूरे विश्व की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म थी, जिसको सौभाग्य से पूरे विश्व में कई जगहों पर पहले देख लिया गया, लेकिन हम इंडियंस का सौभाग्य था कि ये आज हमारे सिनेमा घरों में रिलीज हुई है। एंड गाइस, मेरा पूरा का पूरा आईमैक्स एक्सपीरियंस, मेरा पूरा का पूरा व्लॉग उस थिएटर को लेके कल के एपिसोड में आएगा, उसके अंदर इंतजार कीजिए। एंड गाइस, व्हाट अ एक्सपीरियंस। मेरा 2 बजे का शो था, अभी शाम को ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं। आई वॉज इमर्स्ड मैन, लिटरली स्पीकिंग आई बी वेरी ऑनेस्ट इन दिस रिव्यू। मैं जरा शो ऑफ नहीं करूंगा कि अरे हम सब समझ गए भैया, अरे क्रिस्टोफर नोलन तो हमारा पड़ोसी रहा है, पूरा स्क्रिप्ट दे दिया पढ़ने को। आई एम गोइंग टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस। हम जब भी कॉलेज में हुआ करते थे, जितनी भी क्रिस्टोफर नोलन की फिल्में थी, आई विल मेंशन ओनली 2 फिल्म्स। पहले तो इंटरस्टेलर एंड दूसरी इंसेप्शन। इंटरस्टेलर फिर भी दूसरी बार देखने में इंसान को समझ में आ जाती है, इंसेप्शन मुझे ऑलमोस्ट 2.5 या 3 व्यूइंग लगी। बाद में घर पे आके हार्ड डिस्क में देखना ऑलमोस्ट 1-1.5 साल के बाद, तब जाके फिल्म में समझ में आ जाता है, अच्छा ये वो था, हीरो ऐसा उठा क्या सपने में से, तब जाके समझ में आता था। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस फिल्म टेनेट इज द मोस्ट ट्विस्टेड फिल्म ऑफ क्रिस्टोफर नोलन। ऑनेस्टली अपने चैनल वालों के लिए ये फिल्म नहीं बनी है। द मास ऑडियंस, द डिशम डिशम ऑडियंस, द नाच गाना ऑडियंस, स्पेशली द हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस, इस फिल्म के नजदीक भी मत भटकना, क्योंकि आप घर पर आके बोलोगे पैसा बर्बाद हो गया, फिल्म समझ में नहीं आई, कुछ भी समझ में नहीं। क्योंकि गाइस, दिस इज नोलन्स मोस्ट ट्विस्टेड वर्क, यानी क्रिस्टोफर नोलन ने इससे माइंड बॉम्बिंग फिल्म आज तक नहीं बनाई। ये फिल्म बड़े से बड़ा जीनियस अगर पहली बार देखकर आकर आपको घर पे बोल दे अरे पूरी पिक्चर समझ गया, वो एक नंबर का झूठा है। पूरी दुनिया में इससे बड़ा झूठा कोई नहीं होगा। ये जितने भी रिव्यूअर है, इन लोगों ने लॉकडाउन में इसको डाउनलोड करके कम से कम 8-9 बार देख के पूरा लिख लिया के इन लोगों ने पिक्चर समझी है, मैं उनमें से नहीं। मेरा भाई, आई एम गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मजा आया फिल्म में। मतलब आईमैक्स में देख के, मैं आईमैक्स प्रोजेक्शन विद लेजर गया था देखने के लिए इस फिल्म को, यहाँ पर पीवीआर में। एंड गाइस, लिटरली स्पीकिंग, इट वाज अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी। इतना दिमाग मैंने बहुत सालों से, ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, बहुत सालों से किसी फिल्म में नहीं लगाया था। क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बेस्ट फिल्म नहीं कहूंगा, नो, ये क्रिस्टोफर नोलन की सबसे बेस्ट फिल्म नहीं है। आज भी अगर आप मेरे को पूछो तो मोमेंटो, अपने बैटमैन की जितनी फिल्में हैं, डार्क नाइट या बैटमैन बिगिंस, ये सारी की सारी फिल्मों को बहुत पसंद है। इंसोमनिया, प्रेस्टीज भी मुझे बहुत हद तक पसंद है। धूम 3 देखने का तो प्रेस्टीज की इज्जत मेरे दिल में और बढ़ जाती है। लेकिन गाइज, यहाँ पर टेनेट इज नॉट हिज बेस्ट वर्क। लेकिन गाइज, बात करें पिक्चराइजेशन की, विजुअलाइजेशन की, शायद मैं इसको दूसरी बार देखने जाऊं तो मुझे और पसंद आ जाए, शायद मैं इसे तीसरी बार देखूं तो मेरे लिए मास्टरपीस हो जाए। ये फिल्म पूरी की पूरी शायद पर डिपेंड करती है। और फ्रेंड्स, बात करें इस फिल्म की, तो फिल्म की शुरुआत बहुत बेहतरीन तरीके से होती है। ऑडियंस ने तालियां बजाई, वंडर वुमन का ट्रेलर आया, यहाँ पर FF9 का ट्रेलर आया, बॉन्ड का ट्रेलर आया। एंड गाइस, यहाँ पे शुरुआती सीन जो नेशनल ओपेरा हाउस में रहता है, जहां पर बहुत सारे हॉस्टेज सिचुएशन आ जाता है, एक हॉस्टेज सिचुएशन रिक्रिएट किया जाता है एक बहुत बड़े मोटिव के लिए। एंड वहां पर हमारा जो हीरो है, जो एंड में बोलता है आई एम द प्रोटैगनिस्ट, हाँ, पूरी पिक्चर में पता नहीं चलता कि वो कौन है, तब वो जब शुरुआती सीन है गाइस, द हीरो इज फैंटास्टिक, जॉन डेविड वॉशिंगटन। एंड मेरा सौभाग्य था, आज जब मैं फिल्म देखने के लिए गया था, मेरे पास पूरा का पूरा मुंबई क्रूज मेरे साथ था आज। यस फ्रेंड्स, जो मुंबई क्रू जिसने यहाँ पर क्रिस्टोफर नोलन की हेल्प की, सारे के सारे लोग आए थे, बेचारे एंड तक बैठे थे, एंड क्रेडिट्स में अपना नाम देखने के लिए वो सारे लोग आए थे। एंड द मुंबई सीन्स वर फैंटास्टिक, बहुत अच्छे से कुलाबा कॉजवे दिखाया गया, अपना गेट ऑफ इंडिया के पास जो बोट राइड सीन्स है वो दिखाई गई, बैंड्रा की बहुत बड़ी डुप्लेक्स बिल्डिंग दिखाई गई, जहां पर रॉबर्ट पैटिनसन और जॉन डेविड वॉशिंगटन ने एक माइंड ब्लोइंग स्टंट किया। स्टंट इस फिल्म का बहुत अजूबा है मेरा भाई। जॉन डेविड वॉशिंगटन किस तरह से फिल्म की शुरुआत में जाते हैं एक रेस्क्यू मिशन के लिए, एंड वहां पर किस तरह से उनको जो दूसरे जो अटैक करने वाले आते हैं वो उनको किडनैप कर लेते हैं, एंड वो एक छोटी सी पिल रहती है जिसको साइनाइड पिल भी बोलते हैं, वो खा लेता है, एंड किस तरह से उसकी आंखें एक अलग ही जगह पर खुलती है, एंड तभी वहां पर उसको एक डॉक्टर जो रहती है, साइंटिस्ट कहूंगा, वो उसको समझाती है अबाउट इन्वर्टेड एंट्रोपी, किस तरह से वो टाइम के पीछे जा सकते हैं, किस तरह से गोली जो वो उठाते हैं हाथ से वो एक्चुअली गिरी है या उठा रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें वो एक्सप्लेन करती है। लेकिन मेरा भाई,
उस फिल्म में वो साइंटिस्ट ही बता देती है अपना दिमाग लाने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको समझ में नहीं आएगा। एंड तभी मैंने बोला भाई दिमाग मेरा पैंड में डाल देता हूँ, आराम से फिल्म को एंजॉय करता हूँ। वेल फ्रेंड्स, बात करें इस फिल्म की, तो इस फिल्म में न्यूक्लियर जो रहता है अटैक, उसको यहाँ पे नाम दिया गया है न्यूक्लियर होलोकास्ट या फिर वर्ल्ड वॉर 3। किसको प्रिवेंट कर रहे हैं ये फिल्म के दौरान आपको देखने मिलेगी। बॉन्ड स्टाइल फिल्म कहूंगा, क्रिस्टोफर नोलन ने बना दी है। एंड गाइस, यहाँ पर जो सबसे बेहतरीन सीन है वो है एक किचन का फाइट सीन। फैंटास्टिक, आई मीन हैंड टू हैंड कॉम्बैट किस तरह से होता है यहाँ पर इस फिल्म में बहुत बेहतरीन तरीके दिखाया गया है। एक प्लेन का क्रैश सीक्वेंस है, माय गॉड, IMAX में तो फाड़ हाउस फुल था थिएटर मेरा भाई। मैं कल आऊंगा, चढ़ूंगा मैं इंडियन प्रोड्यूसर लोग के ऊपर कि किस बात का डरे हुए फिल्म रिलीज करने के लिए। टेनेट जैसी पिक्चर जो अपनी ऑडियंस के सर के ऊपर से जाने वाली है वो हाउसफुल हो सकती है, तुम लोग को किस कौन सी चीज रोक रही है फिल्म रिलीज करने के लिए। द प्लेन सीक्वेंस इज फैंटास्टिक गाइस, ये फिल्म को IMAX में देखना मेरा भाई। IMAX 2D में, हिंदी IMAX में नहीं आया अभी तक। ये फिल्म मैं हिंदी में शायद देखूंगा तो मेरे को समझ में थोड़ा बहुत आएगा। आई डोंट नो व्हाट टर्म्स दे विल यूज फॉर दिस एंट्रोपी और वो सब यू नो हिंदी में, लेकिन IMAX का फैंटास्टिक था प्लेन का सीन। लेकिन बॉस रोहित शेट्टी, यू हैव कॉम्पिटिशन मेरा भाई। मेरे को लगता था रोहित शेट्टी एक आदमी है जो रिवर्स गाड़ी पर भगा सकता है, ये फिल्म में रिवर्स जो गाड़ी भागती है वो जो सीक्वेंस है भाई माइंड ब्लो कर देगा तुम लोग का। लेकिन गाइस, पहला हाफ आपको फ्रस्ट्रेट कर देगा पूरा, आप सोचोगे भाई क्या देख रहा हूँ मैं, अरे क्या पागल क्या दिखा रहा है मेरे को। अगर आप क्रिस्टोफर नोलन के फैन नहीं हो तो मत जाना थिएटर में, सीरियसली बोल रहा हूँ भाई। अगर आप यू मास पिक्चर के फैन हो तो भाई ये पिक्चर तुम लोग के लिए नहीं है गाइस, ये बहुत ही दिमाग का यू नो प्रयोग करने वाली फिल्म है गाइस। लेकिन जो क्लाइमैक्स से 45 मिनट में लोग खेल खेलते हैं ना, आश्चर्य चीज समझ में आती है, अच्छा ये गाड़ी ठुका था ये वो ही था, अरे ये तो वही बंदा था, तब आपको मजा आता है, गिल्टी प्लेजर देता है आपको क्रिस्टोफर नोलन के बॉस मैं बाप हूं तुम लोग का, आई एम द बाप ऑफ ऑल डायरेक्टर्स, एंड तब तुम्हारी इज्जत के दिल में और बढ़ जाती है। लेकिन गाइस, जो लास्ट का क्लाइमैक्स है भाई, सब रिवर्स में जा रहा है, सब रिवर्स में जा रहा है, पूरा बॉम्ब ब्लास्ट, ये वो जो VFX यूज किया है गाइस, और BGM पूरा बॉलीवुड स्टाइल माइंड ब्लोइंग एपिक गाइस, बहुत अच्छी सिनेमाटोग्राफी एंड म्यूजिक एडिटिंग बहुत ही अच्छी, आपको बोर नहीं होने देती फिल्म में। एंड IMAX इज फैंटास्टिक। बट फ्रेंड्स, बात करें काम की गाइस यहाँ पे, तो मेरा दिल आ गया एलिजाबेथ डेबी की पे। मेरे को पता नहीं वो बंदी की हाइट कितनी है, मैंने इससे लंबी औरत मेरे जिंदगी में नहीं देखा। 6'3" 6'3" भाई, हाँ बच्चन की हाइट की एलिजाबेथ बहुत ही खूबसूरत लगी इस फिल्म में। उनका काम भी बहुत ही खूबसूरत है, किस तरह से अपने पति से यू नो वार्तालाप करती है पूरी फिल्म में, उसके उसके पति के वो चलती रहती है। केनेथ ब्राना जो यहाँ पे सेटर बना है, जो इकलौता आदमी है जो फ्यूचर की चीजें कर सकता है, अब क्या वो फ्यूचर से आया ये वो सब पिक्चर तुम लोगों को देखनी पड़ेगी, क्या ऐसा है उसमें यूरेनियम और क्या 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 टर्म्स यूज किए गए हैं, जो बहुत बेहतरीन तरीके दिखाए। लेकिन मेरा भाई रॉबर्ट पैटिनसन को स्क्रीन पर देखते हुए अपनी इंडियन महिला आवाजें निकल जाती उन लोगों के मुंह से। लेकिन जो हीरो है पिक्चर का बेटा जॉन डेविड वॉशिंगटन, एक्सेलेंट काम किया है फ्रॉम द एक्शन सीक्वेंस। मुंबई में एक्शन सीक्वेंस है, यहाँ से डेंजिल करके अपना एक्टर है, डिंपल कपाड़िया का पति बना है पिक्चर में। डिंपल कपाड़िया ठीक ठाक है, मतलब वही अनिल कपूर ने मिशन इम्पॉसिबल में किया था उसी तरह का रोल है, ज्यादा कुछ नहीं करती है फिल्म में, लेकिन काफी इंप्रेसिव लगी है मेरे को गाइस यहाँ पर। ऑल इन ऑल यहाँ पर एक और इंडियन कैरेक्टर भी है जिसका नाम है माहिर हिमेश पटेल, वो भी काफी अच्छा है बोर्ड में, एंड में काफी ओके जैसे अली फजल था फास्ट एंड फ्यूरियस में, उस तरह का सीक्वेंस है गाइस यहाँ पर। लेकिन गाइस, स्पेशल मेंशन यहाँ पर मैं देना चाहूंगा होयते वाइन होयतेमा, इस सिनेमाटोग्राफर है पिक्चर का, म्यूजिक बाय लुडविक गोरानसन, ही इज बाप लेवल BGM, बाप लेवल म्यूजिक, एडिटिंग बाय जेनिफर लेम इज फैंटास्टिक। दिस फिल्म इज अ मस्ट वॉच मेरा भाई, ये फिल्म आपको एज ऑफ द सीट रखेगी। लास्ट के 45 मिनट्स बहुत बेहतरीन है इस फिल्म के, मजा आ जाएगा। लेकिन नॉट द बेस्ट नोलन फिल्म एवर, एंड बहुत वार्निंग देके जा रहा हूं अपने चैनल वाले को, दो बार सोच के जाना भाई अपने मास ऑडियंस है, लेकिन मजा आएगा। एक्शन भी बहुत अच्छा, हिंदी में लगी है फिल्म, एक्शन भरपूर है पिक्चर में, मार धाड़ देखना है, प्लेन सीक्वेंस है, मारा मारी हैंड टू हैंड कॉम्बैट है, तो आप जाके इस फिल्म को जरूर देख सकते हो। I am not qualified to give Tenet any ratings. Full stars, मेरा भाई। So, I'm Ansari signing off. You will see me very soon. Till then, as always, say, stay cool, man.